हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दृष्टि का जो समसामयिक घटना चक्र था उसका करंट अफेयर्स। ये आपका 2023 का वार्षिकांक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय दल का जो दर्जा प्राप्त होता है उसके जो मापदंड हैं वो देखते हैं आप। सबसे पहला जो रहती है कंडीशन वो है लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। सेकंड कंडीशन रही कि आपकी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। इसके बाद जो थर्ड कंडीशन रहती है, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां थीं, पहले उनकी संख्या 8 थी, अब वर्तमान में उनकी संख्या 6 हो चुकी है। तो ये आपकी 6 पार्टियां हैं, जिसमें आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। 3 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा जिनसे वापस ले लिया गया है। इसमें आपकी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये 3 पार्टियां हैं जिनसे आपका राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में कुल 6 पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि इस पार्टी के प्रत्याशियों ने उक्त चुनाव में कुल वैध मतों का 12% मत प्राप्त किए थे। इसके अतिरिक्त गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की थी। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वो दिया गया है। इसके बाद है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम VVP की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तर सीमा नॉर्थन बॉर्डर के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबूतू में लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की। तो इसको मंजूरी कब प्रदान की गई है, ये मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें 15 फरवरी 2023 को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की गई है। दूसरा, ये कहाँ से प्रारंभ किया गया, अरुणाचल प्रदेश के किबूतू गांव से इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये आप याद रखिएगा। ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, इसकी मंजूरी 2022-2023 से लेकर 2025-2026 के लिए प्रदान की गई है। इसमें जो वित्तीय आवंटन रहेगा वो 4800 करोड़ रुपये है। ये इस योजना के तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को समग्र विकास में शामिल किया गया है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश के हैं। यह कार्यक्रम सीमावर्ती गाँव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी और सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए हैं। जो स्मरणीय तथ्य रहेंगे उसमें पहला रहेगा आपका 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी किए गए। ये 3 राज्य हैं आपके मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। मेघालय, 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न कराए गए। हालांकि मेघालय में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि सोहियोंग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया।
मेघालय विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, जिनमें से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए यहाँ कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86.69% आपके मतदान दर्ज किया गया था। वर्ष 2018 के चुनाव की तुलना में इसमें 0.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कॉनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी NPP यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। 7 मार्च 2023 को कॉनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। नागालैंड 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 12 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण वहां 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन के हेतु क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलेटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोचेतो किनिगी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए। वर्ष 2023 के चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP का प्रभुत्व रहा। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 12 सीटें जबकि NDPP को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुईं। वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक निर्वाचित हुई। यह उपलब्धि NDPP की हैकानी जखालू ने प्राप्त की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। नागालैंड में पहली महिला विधायक चुनी गई हैं, ये NDPP की हैकानी जखालू हैं। ये नाम आपको याद रखना है, हैकानी जखालू। ये आपके दीमापुर निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित हुई हैं। NDPP की एक अन्य महिला प्रत्याशी सलहोतुओनु क्रूश, ये पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई हैं। 7 मार्च 2023 को NDPP के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। TR जेलियांग तथा थानथुंगो पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। त्रिपुरा 12वीं त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल समाप्ति की तिथि 22 मार्च 2023 थी, अतः 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव किए गए। त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसकी क्षेत्रीय सहयोगी रही इंडिजेनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इन्होंने कुल 33 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता माणिक शाह ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 24 मार्च 2023 को भाजपा के विधायक विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों, पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट का यह 3रा संस्करण है। इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। रिपोर्ट का जो प्रथम संस्करण था वह 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, पहला बड़े और मध्यम आकार के राज्य तथा दूसरा है आपका छोटे राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम एवं खराब की श्रेणी में विभाजित किया गया है। IGR 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक आपका श्रेष्ठ राज्य रहा है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर रहा है। ये 18वीं रैंक इसने हासिल की है। तो जो पहले स्थान पर रहा है वह कर्नाटक राज्य है तथा अंतिम स्थान पर जो रहा है वह उत्तर प्रदेश राज्य है। वहीं देखा जाए छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य है, जबकि गोवा 3.42 अंक के साथ अंतिम स्थान पर रहा है।
तो आपको यहाँ याद रखना है। बड़े राज्यों में आपको याद रखना है कर्नाटक पहले पायदान पे है जबकि उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। वहीं छोटे राज्यों में देखा जाए तो सिक्किम पहले पायदान पर है जबकि गोवा अंतिम पायदान पर है। एमबी गंगा ब्लास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतरदेशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों 5 वर्तमान में एवं 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई 20,000 किलोमीटर है। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक मार्ग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान हैं। एमबी गंगा ब्लास इसी क्रम का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। 13 जनवरी 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमबी गंगा ब्लास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई। तो देखिए यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है ये जो नदी में चलेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये 2023 में हुआ है। इसके बाद यह चलेगा कहाँ से आपका, यह चलेगा आपका वाराणसी से लेके असम के डिब्रूगढ़ तक, ठीक है। और इसकी यात्रा की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 3200 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको ये तीन फैक्ट याद रखने हैं। ये इसका नाम है एमबी गंगा ब्लास, ये नदी क्रूज है। इसके बाद यह आपके वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक चलेगा और इसकी जो कुल यात्रा की लंबाई रहेगी वो रहेगी 3200 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कुछ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र शामिल किए गए हैं यात्रा में। इसके बाद देखिए एमबी गंगा ब्लास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सादिया होकर जाएगा। तो दो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं इसमें, एक हल्दिया से प्रयागराज NH NW1 है तथा दूसरा आपका राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 ये धुबरी से सादिया होकर जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में निर्मित है जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से होकर भी गुजरेगी। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था जिससे भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला। एमबी गंगा ब्लास में सभी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक तथा 36 पर्यटकों की क्षमता वाली 18 सुइट हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। गंगा ब्लास क्रूज सेवा निजी संचालक मैसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। टेंट सिटी। एमबी गंगा ब्लास के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। तो ये आपसे करंट का एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि टेंट सिटी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत हुआ है। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाईकोर्ट बना। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है जो हैं आपकी असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था।
डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अमय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। तो ये आप याद रखिएगा, समिति जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद के लिए समिति का गठन किया गया, उस समिति का नाम क्या रहेगा, अमय ओका समिति। ठीक है। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला यह भारत का पहला उच्च न्यायालय बना। उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में दो निर्णय प्रकाशित किए। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिए गए। केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय हैं, वाहन गृह ऋण से संबंधित निर्णय तथा दूसरा चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय। इन निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के कार्य क्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती रही है। 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया। यहाँ पर याद रखिएगा कि संवैधानिक पीठ जो रहती है वो 5 या उससे अधिक सदस्यों की बनती है। ठीक है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। तो देखिए, अब इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या कहा गया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे व जो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय कमेटी होगी जो अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देगी। इस कमेटी में आपके प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है। लोकसभा में विपक्ष के नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल के नेता इस समिति का सदस्य होगा। जब तक संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेता तब तक उपयुक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने की। पीठ के जो अन्य सदस्य थे उनमें न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय तथा न्यायमूर्ति CT रवि कुमार शामिल थे। एनुअल स्टेटस रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन 2022। असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASR, इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संस्थान प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 में यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने व बुनियादी गणित समझने में सक्षम हैं। 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर ग्रामीण 2022 जारी की गई। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही यह रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष के बच्चों के पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गाँव में शामिल है। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों हेतु नामांकन दर विगत 15 वर्षों में 95% से ऊपर रहा है। यह आंकड़ा वर्ष 2018 में 97% से बढ़कर 2022 में 98% हो गया है। वर्ष 2022 में 11 से 14 वर्ष आयु के स्कूल में अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा गिरकर 2%, वर्ष 2018 में यह 4.1% था। गौरतलब है कि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। इसके अतिरिक्त
वर्ष 2022 में 15 से 16 आयु वर्ग की 7.9% लड़कियाँ अनामांकित थीं, जबकि यह 2018 में आंकड़ा 13.5% था। सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है। ये राज्य हैं आपके मध्य प्रदेश जिसमें 17% है, उत्तर प्रदेश जहाँ यह 15% है, तथा छत्तीसगढ़ जहाँ यह 11.2% है। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बन गया है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बल जंक्शन को सामान्यतः SS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्ञातत्व है कि वर्ष 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुब्बल जंक्शन किया गया था। नवंबर 2020 में इसे बदलकर SSS हुब्बल जंक्शन किया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुब्बल रेलवे मंडल का हिस्सा है जो हुब्बल धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हुब्बल जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेल प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वह हुब्बल जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 बन गया है। इसकी जो लंबाई है यह 1507 मीटर है। इससे पहले यह किताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के स्टेशन प्लेटफॉर्म के नाम था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर थी। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसमें 112 जिले हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो कि हैं बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये वर्ष 2018 में शुरू हुआ है, केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत 112 आकांक्षी जिले हैं। 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों में जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। मिशन का प्रारंभिक जो परिव्यय है वह 19,744 करोड़ रुपए। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास। ₹8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पाद बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी लाना, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, आधुनिक एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था।
इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इसमें कौन कौन से दस्तावेज हैं? देखिए, इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल हैं। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्व स्तरीय एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। ऊधमपुर से बारामूला तक दूरी 272 किलोमीटर है। निम्न चार खंडों में विभाजित किया गया है। खंड एक में ऊधमपुर कटरा, खंड दो में कटरा बनिहाल, खंड तीन में बनिहाल काजीगुंडा, खंड चार में काजीगुंड से बारामूला। इस परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम तथा पर्वतीय भूभागों में सब बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है यह देश का। वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूल और शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने तीन प्रमुख मिशनों, ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की थी। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट 2022 के दौरान की गई। इस समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन। 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लॉन्च किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया था। मिशनों में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन तथा वायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। विश्व का पहला पाम लिप पांडुलिपि संग्रहालय। हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है, जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करती हैं। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। तरल अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज, इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि कुल तरल सीवेज का लगभग 99% हिस्सा जो है वह घरेलू सीवेज का ही होता है। तो इसके लिए देखिए, 2023 में तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है कि भारत का जो सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है वह तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र। एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। यह 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का है। ओखला सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना के तहत किया जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। 11 जनवरी 2023 को टी आर
TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा मुंबई में स्थित एक आवासीय सोसाइटी बिवरैया कॉन्डोमिनियम के मध्य यह एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। बिवरैया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैपेटिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना कौन कर रहा है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना की जाएगी। इस संयंत्र का निर्माण, संचालन व रखरखाव TPREL द्वारा किया जाएगा। स्मार्ट कार्यक्रम, स्मार्ट का विस्तारित रूप है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटिस, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधानों विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो यहाँ आपको याद रखना है स्मार्ट कार्यक्रम, ये इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। यह 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेदिक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो यह 2023 से प्रारंभ है। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान CCRAS ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले। वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत नामक एक पहल लॉन्च की थी। वर्ष 2017 में इस इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के 3 आयामों पर राज्यों एवं जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। पहला है इसमें बुनियादी मानवीय आवश्यकताएँ, रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार और अवसर। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले नामक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस तथा वॉशिंगटन DC स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा तैयार की गई। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत भारत के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और 707 जिलों को शामिल किया गया है। SPI में प्राप्त स्कोर के आधार पर राज्यों एवं जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत रैंक प्रदान की गई है। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन, राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना। यह 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। मूलतः नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी। हालांकि भविष्य में भी इस कार्यक्रम की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकृति प्रदान की है। यह मिशन वर्ष 2026 तक प्रभावी रहेगा। तो यहाँ पे आप नमामि गंगे में क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे, एक तो पहला ये, इसकी शुरुआत हुई थी जून 2014 में, यह केंद्र सरकार की योजना है। अभी इसका फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकृति दी गई है जो वर्ष 2026 तक चलेगा। दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापना फ्लैगशिप पहलों के अंतर्गत इसको मान्यता प्रदान की है। गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। गुजरात की
14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 18 फरवरी 2023 निर्धारित थी, जबकि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की तिथि 8 जनवरी 2023 निर्धारित थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत गुजरात में नई विधानसभा गठन के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 1 चरण में करवाया गया। गुजरात का पहला चरण 1 दिसंबर 2022 को, जबकि द्वितीय चरण हेतु मतदान 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए मतदान 12 नवंबर 2022 को संपन्न हुए। परिणाम, गुजरात में संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, 13 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 27 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 64.33% मतदान हुआ। 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में एक बार पुनः बहुमत प्राप्त किया। गुजरात विधानसभा चुनाव में यह भाजपा की लगातार 7वीं जीत है। भाजपा ने सर्वप्रथम मार्च 1995 को यहाँ सत्ता प्राप्त की थी, जिसके बाद यह लगातार यहाँ पे विजय प्राप्त करते आ रहे हैं। वर्ष 2022 के चुनाव में कुल 182 सीटों में से भाजपा ने 156 सीटों पर विजय प्राप्त की है। विधानसभा चुनाव के इतिहास में सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। वर्ष 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी का भी प्रवेश हुआ था। पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे 5 विधानसभा की सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की थी। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ ग्रहण की। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी ने गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हिमाचल प्रदेश का चुनाव परिणाम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं, इसमें 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 75.6% मतदान हुआ। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन के इतिहास में यह अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन ताशी गंग लाहौल एवं स्पीति में स्थित है, 100% मतदान दर्ज किया गया। तो यहाँ आपसे एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन कौन सा है, यह ताशी गंग रहेगा। उल्लेखनीय है कि ताशी गंग मतदान स्टेशन 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के तहत राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और उनकी सत्ता में वापसी हुई। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में दशकों से यह परंपरा कायम है कि प्रत्येक निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 40 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें प्राप्त हुई, जबकि निर्दलीय को 3 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है आपका, प्रयागराज आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की जो पुलिस होती है उस पर जो नियंत्रण रहता है वह जिलाधिकारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये शक्तियाँ कमिश्नर के पास होती हैं। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य के 3 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के ये 3 जिले प्रयागराज, गाजियाबाद व आगरा हैं। तत्पश्चात रमित शर्मा को प्रयागराज, प्रतिंदर सिंह को आगरा तथा अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन 3 जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने की विषयक अधिसूचना को प्रस्ताव
अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, केम्पगोंडा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें ही स्थानीय रूप में नाड प्रभु केम्पगोंडा के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक बेंगलोर वर्तमान बंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलोर में श्री नाड प्रभु केम्पगोंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाएगा। यह प्रतिमा बेंगलोर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। यह कांसे की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांसा व 120 टन इस्पात का उपयोग किया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार भी रामवी सुतार हैं। यही जो रामवी सुतार, इन्होंने ही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी डिज़ाइन किया है। कुछ अन्य स्टैच्यू देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। यह प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। यह प्रतिमा 369 फीट यानी कि 112.47 मीटर की है। यह प्रतिमा भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात तथा लोहा तथा 2.5 लाख घन टन कंक्रीट एवं बालू का उपयोग किया गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस, 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा अष्ट धातु से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। यह प्रतिमा राजस्थान के जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। इसके बाद है आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद हैदराबाद में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। यह प्रतिमा 216 फीट की ऊंचाई की है। यह प्रतिमा पंच लोह या पांच धातुओं के संयोजन से निर्मित है। इसमें पांच धातुएं हैं, स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल एवं जस्ता है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 302 फीट है। इसके बाद है आपका स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति का नाम दिया गया है। यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है। स्टैच्यू ऑफ पीस, जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया है। 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित की गई है। इस प्रतिमा का वजन लगभग 600 किलोग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, उत्तर प्रदेश का पहला ईटराइट स्टेशन। FSSAI सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ एवं दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है। ईट राइट इंडिया की टैगलाइन है, सही भोजन बेहतर जीवन। ईट राइट रेलवे स्टेशन FSSAI के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत संचालित पहलों में से एक है। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर स्थित सभी खाद्य विक्रेताओं को लक्षित किया गया है।
ताकि उनके द्वारा रेल यात्रियों, अधिकारियों, रेल स्टाफ आदि के लिए खाना पकाने एवं उसे परोसने के दौरान सुरक्षित रखरखाव के तरीकों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल के तहत प्रमाणिक किए जाने के लिए किसी निर्दिष्ट रेलवे स्टेशन पर सभी खाद्य विक्रेताओं को FSSAI के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण द्वारा स्टेशन प्रमाण प्रदान किया गया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इसके पूर्व उत्तर मध्य रेलवे के 2 स्टेशन क्रमशः ग्वालियर और डबरा रेलवे स्टेशनों को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। 14 नवंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे के डभौरा रेलवे स्टेशन रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है ये, तथा दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट प्रमाणन प्रदान किया गया है। इस प्रकार अब उत्तर मध्य रेलवे में ईट राइट प्रमाणन प्राप्त करने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या 5 हो गई है। ज्ञातत्व है कि 3 दिसंबर 2019 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को FSSAI द्वारा देश का पहला ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया। इसके अलावा यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5-स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक। उर्वरक ऐसे पादप पोषक तत्व हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक यूरिया है, जिसका मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है। उत्पादक कंपनियां यूरिया को एक निश्चित MRP पर बेचती हैं, जो उत्पादन लागत का मात्र 10-20% होता है। शेष 80-90% तक उत्पादन लागत केंद्र सरकार उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। अन्य उर्वरकों जैसे DAP एवं MOP आदि की कीमतें आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती। हालांकि ये उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं। अभी तक सभी उत्पादक कंपनियां उर्वरकों को स्वयं की ब्रांड पहचान के साथ बिना केंद्र सरकार के योगदान के उल्लेख के बेच रही थी। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारतीय यूरिया बैग को भी लॉन्च किया। इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगों का उपयोग किया जाएगा। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक उर्वरक इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नेम भारत के तहत विक्रय किए जाएंगे। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड नेम के तहत ही उपलब्ध होगा। भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादक कंपनियों के लिए उनके उत्पादों का विपणन भारत ब्रांड नेम के अंतर्गत करना अनिवार्य कर दिया है। इससे उत्पादन करने वाली कंपनियों से निरपेक्ष पूरे देश में उर्वरक ब्रांडों का मानकीकरण सुनिश्चित होगा। इस योजना के तहत कंपनियां अपने उर्वरक बैग के केवल 1/3 स्थान पर ही अपना नाम, लोगो व अन्य प्रासंगिक उत्पाद संबंधी जानकारियां प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड नाम और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के लोगों को दिखाना होगा। यूरिया, DAP, MOP, NPK आदि के लिए एकल ब्रांड नेम क्रमशः भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP और भारत NPK आदि प्रयुक्त होंगे। यह योजना सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं पर लागू होगी। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अब देश में बिकने वाला यूरिया एक ही नाम, एक ही ब्रांड, एक ही गुणवत्ता का होगा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को वर्ष 1994 में स्थापित बेंगलोर स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया। यह सूचकांक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 का प्रकाशित किया गया।
यह 7वां वार्षिक संस्करण है। इस सूचकांक में राज्यों को जनसंख्या आकार की दृष्टि से 18 बड़े राज्य और 10 छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया। PAI 2022 में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य है, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक राज्य है। तो ये आप ये दो याद रखिएगा। मोढेरा पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। यह गांव यहां स्थित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1026 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय है कि मोढेरा को मोढेरापुरा या मुंडेरा नाम से भी जाना जाता है। 9 से 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 2400 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया। प्रधानमंत्री ने मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया। इस प्रकार यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। सूर्य मंदिर और पूरे गाँव को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। में भू आधारित 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। गांव के सभी आवासीय एवं सरकारी इमारतों की छत पर सौर पैनल लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का सौरीकरण सूर्य ग्राम परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गाँव बन गया है। यह पहला ऐसा गाँव है जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। भारत की पहली ग्रिड संबद्ध मेगावाट स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली मोढेरा में स्थापित की गई है। स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 एवं 2.0 अवार्ड। स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाला एक पाक्षिक अभियान है। इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है। 100 दिवसीय सुजलम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सोखता गड्ढों के निर्माण और अन्य दूसर जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ODF+ गाँवों का सृजन करना था। सुजलाम 1.0 अभियान का लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्णता प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि इस दौरान घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक सोखता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका है। सुजलाम 1.0 के अंतर्गत किए गए कार्यों की गति को जारी रखने के लिए सुजलाम 2.0 को लॉन्च किया गया था। सुजलाम 2.0 अभियान सामुदायिक एवं संस्थागत स्तरीय धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित था। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलाम 1.0 एवं 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी हेतु स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई। देखिए, इसमें जो पहला पुरस्कार मिला है वह कर्नाटक को मिला है। सुजलाम में जो शीर्ष राज्य है वह मध्य प्रदेश है आपका।